इस आशंका को सरकार की तरफ से बार बार दूर करने की कोशिश की जा रही है कि एमएसपी सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में सिर्फ यही डिमांड नजर आ रही थी किसानों की कि एमएसपी जो है वो सुनिश्चित किया जाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपको कानूनी बंदिशें डालनी पड़ेंगी, यानी प्राइवेट प्लेयर्स भी अगर किसानों की फसल ले रहे हैं तो उनको भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है फसल का वो तो देना ही पड़ेगा। ये किसानों की डिमांड है, इसके लिए फिलहाल सरकार तैयार नहीं नजर आ रही है। लेकिन कौन कौन सी किसानों की वो साथ मांगे हैं जिस पर इस वक्त अटकी हुई है बात, ये जरा समझिए। ये साथ मांगे कौन सी हैं? पहली तो सबसे बड़ी डिमांड यही है कि तीनों नए केंद्रीय कृषि कानून जो हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए, इन कानूनों को वापस लिया जाए। दूसरी बड़ी मांग यह है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए, यानी एक कानून और लाया जाए जिसमें कानूनी बंदिश हो एमएसपी को लेकर। खेती के लिए इस्तेमाल डीजल 50% सस्ता हो, यह कह रहे हैं किसान। यह किसानों की एक बड़ी डिमांड है। इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, यह किसान कह रहे हैं। खुदकुशी करने वाले किसानों को आर्थिक मदद का प्रावधान सरकार की तरफ से किया जाए। छठी मांग यह है कि किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस हों, क्योंकि आंदोलनरत किसानों के खिलाफ कई जगहों पर केसेस रजिस्टर हो गए। सातवीं डिमांड यह है कि देश भर में गिरफ्तार किसानों को तुरंत रिहा किया जाए, उन्हें छोड़ा जाए। तो ये सात डिमांड्स फिलहाल किसानों ने सरकार के सामने रखी हैं और इन मांगों पर बात अड़ी हुई है, क्योंकि सरकार भी अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है इन डिमांड्स को लेकर, और यही वजह है कि पेच फंसा हुआ है। अब कानून पर किसानों को एतराज क्या है, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। किसानों ने सरकार को 10 पन्नों का एक ड्राफ्ट सौंपा है और उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो मांग है इस ड्राफ्ट में उसे मेंशन किया गया है। एपीएमसी कानून के 17 बिंदुओं पर असहमति जताई गई है किसानों की तरफ से, 17 बिंदुओं पर। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटी कानून के 8 बिंदुओं से किसान सहमत नहीं है, उसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के 12 पॉइंट्स पर रजामंदी नहीं है। तो ये तमाम वो मसले हैं जिसकी वजह से अभी तक पेच अटका हुआ है और कल की मीटिंग भी बेनतीजा रही, उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया। इस बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन का आज 9वां दिन है। मांगें पूरी होने तक बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे किसान, ये रुख किसान संगठनों की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। किसानों के डटे रहने से जाहिर है दिल्ली वालों को बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन किसानों के सामने जब इन परेशानियों को रखा जाता है तो उनका कहना है कि वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार इसके लिए सरकार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।